उत्तर प्रदेश के बुलेशर जनपद के खुर्जा नगर में एक घिनौना कांड नजर आया, जहां एक बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगाया। खुर्जा नगर के पुराना बाजार में एक महिला की हत्या कर उसके शव को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और जांच पड़ताल करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि आरोप उनके मृतक के बेटे पर ही लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बताया कि मामला पूरे संपत्ति विवाद को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने जो है मृतक के बेटे, पत्नी और उनके एक साले को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर अगर नजर डाले तो बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद और काफी दिन से महिला परेशान थी, पुलिस ने गुहार लगा रही थी मुझे मेरे बेटे से बचा लो, लेकिन पुलिस ने मामले में जो तत्परता दिखा दो कई बार मामले की जो फैसला करा दिया गया। अब मृतका की चारों वीडियो ने आकर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इस समय में कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो बड़ी होली चौक के पास गली में एक महिला का शव लिपटा हुआ, उस रस्सी से बांधा हुआ वहाँ मिला हुआ, जिस पे पुलिस ने मौके पे पहुँच करके शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा है तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी।